दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में कोई आना अभी नहीं चाह रहा है और जिनके परिजन यहाँ पर रहते हैं फोन कर करके इस ग्रेट स्मॉग की बात कर रहा है, जो हमें लंदन के ग्रेट स्मॉग जैसे हालात जो बन रहे हैं उसकी याद दिला रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में स्मॉग से हालात खराब है, अगले कुछ दिनों तक इससे राहत मिलने की संभावनाएं कम है। दिल्ली NCR में पोल्यूशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो लंदन में 1952 में हुई हजारों मौतों जैसी स्थिति बन सकती है। शहर की हवा की क्वालिटी निचले स्तर पर है, हवा में मौजूद कई किस्म के छोटे कण वैसे ही खराब है जैसे 1952 में लंदन में थे। आपको ये भी बता दें कि लंदन में 1952 में ग्रेट स्मॉग से करीब 4000 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में हवा जहरीली हो गई। केजरीवाल सरकार हालांकि कल से एक्शन में है, कुछ कड़े फैसले लिए गए, आज फिर बैठक हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर LG नजीब जंग भी बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्रालय बैठक करेगा, इसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले। इन सबके बीच दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो पोल्यूशन को लेकर हो रही परेशानियों के बारे में बताएगा, अवगत कराएगा। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक वही स्कूल भी बंद हैं। आसमान में धुओं का असर यह है कि दिल्ली में 9 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है, सभी को जयपुर के संगानेर हवाई अड्डे भेज दिया गया है। एक विमान में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। जाहिर है कि स्मॉग की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आम लोगों को तो हो ही रही है, लेकिन फ्लाइट्स में भी दिक्कतें हो रही है। इसी को लेकर जो पैसेंजर्स हैं, लोग हैं, यहाँ नाराजगी है, गुस्सा है, ये ऐसा लग रहा है कि सर्दी आ गई। दरअसल ये सर्दी नहीं बल्कि प्रदूषण है जो दिल्ली को पूरी तरीके से ऐसा इसने कर दिया है कि हर कोई दिल्ली आने से डर रहा है। आफ्टर दिवाली जो क्या कहते हैं पोल्यूशन हुआ है बहुत ज्यादा, दिवाली के बाद बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ है दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट्स आपस में लड़ रही हैं कि यहाँ भी क्या कहते हैं हरियाणा एंड पंजाब से ये क्या कहते हैं पोल्यूशन आ रहा है, बट फिर भी गवर्नमेंट बहुत लेट उठी है इसके लिए एक्शन लेने के लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हमें क्या कहते हैं पोल्यूशन मतलब दिवाली पे बम पटाखे जो भी आतिशबाजी करी हमें वो कम करनी चाहिए थी। दीपावली पे जो लोगों ने पटाखे वटाखे छोड़े हैं, जो हम लोगों ने क्रैकर्स फोड़े हैं ना, उसकी वजह से हुआ है ये पॉल्यूशन जो हुआ है। जितना भी आप देख सकते हो, पहले इंडिया गेट हम उससे पहले भी आते थे, दूर तक का नजर आता था, मगर अभी जो फॉग नहीं है, स्मॉग है, इतना ज्यादा स्मॉग हो गया, ठंड इसकी वजह से बढ़ गई है, सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, भाग दौड़ नहीं करी जा रही पहले की तरह, मगर फिर भी देखो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी और परेशानी तो है। देखो जो बात है दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी है इसकी, जिम्मेदार सरकार को ठहराना ही सही नहीं होगा, इसमें पूरे भागीदार हम भी हैं। अगर हम पटाखे नहीं फोड़ते तो स्मोक शायद होता ही नहीं, तो इसी कारण से ये जो स्मोक है ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ना ठंड बढ़ रही है ज्यादा और ना ही बस ये स्मोक इतना पोल्यूटेड हो रहा है कि बंदों की आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है। हम सभी मिलकर इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा क्रैकर्स बर्न करे हैं इस बारी, ये हमें नहीं करना चाहिए। सरकार मना करती है इस चीज के लिए, लेकिन हमें नहीं करने चाहिए, सबकी गलती है। शहर शहर इस स्मॉग का कहर, दिल्ली NCR में स्कूल बंद, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब बेहाल। दम घोटू दिल्ली कब तक? ये देश की राजधानी दिल्ली है, वो दिल्ली जहां दिवाली से पहले हर कोई सुकून में था, शहर की आबोहवा सबको रास आ रही थी, लेकिन अब इस दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है।
आसमान में चारों तरफ जहरीली हवा के गुबार गदर मचा रहे हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी का सांस लेना मुहाल हो गया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, प्रदूषण का मीटर डरावना होता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दर्ज प्रदूषण के आंकड़े डरा रहे हैं। पॉल्यूशन का 17 साल का रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है और अब पॉल्यूशन का ग्राफ नए रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। लिहाजा प्रदूषण से पार पाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मसलन अगले दो दिन तक दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में 5 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर बैन रहेगा। अस्पतालों और इमरजेंसी हालात को छोड़ कहीं भी 10 दिन तक डीजल जनरेटर इस्तेमाल नहीं होंगे। बदरपुर प्लांट भी 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा ताकि राख ना उड़े। आज से दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू होगा। वहीं नवंबर से दिल्ली की सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग होगी। इसके साथ ही ऑड इवन भी फिर से दिल्ली में लागू किया जा सकता है। इन सब के बीच प्रदूषण पर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। अब लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपसे कहूं कि हम जैसे भलसवा गए थे कि भलसवा के अंदर जो हालात हैं, पूरी में आग लगाई जा रही है, तो उसको खत्म करना ही पड़ेगा। बट इट विल टेक टू एटलीस्ट 1.5-2 साल तो लगेंगे। मेरा तो विचार ये है कि जो पहाड़ है उसको खत्म कर देना चाहिए, वहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट लगा के उसको वहीं पे खत्म करना चाहिए। केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। केजरीवाल की पूर्णता विफलता है और उसको स्वीकार करने के जगह में वो अब कहते हैं कि सेंटर को मदद करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे थे? आप कभी पंजाब चले गए थे, कभी दिल्ली से बाहर कोई बहाना से निकल जाते थे, या दिल्ली में रहते तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी चले जाते थे। आपको तो दिल्ली का प्रशासन, तो आपकी दिलचस्पी चल गई। आप किस और जगह जा सकते हैं और वहाँ शरण ले सकते हैं, उसके लिए वो खोज रहे हैं। इधर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के दूसरे शहरों पर भी स्मोक का कहर जारी है। लिहाजा दिल्ली के बाद अब गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर में सभी स्कूल मंगलवार तक बंद रहेंगे। क्लास 3 से 12वीं तक की टाइमिंग सुबह 9 से 1 बजे तक होगी। दिल्ली एनसीआर को सदी की सबसे जानलेवा धुन से आज़ादी कब मिलेगी ये कोई नहीं जानता। दिल्ली की हवा को फ्रेश होने में अभी कई और दिन लग सकते हैं। तब तक आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। दिल्ली से ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। स्कूल बंद है, एयरपोर्ट में फ्लाइट्स जो है पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दी गई है, ट्रेन अच्छे से चल नहीं रही है, लोगों का दम घुट रहा है। लंदन के 1952 जैसे हालात है, हर किसी को डर लग रहा है, हर कोई अपने परिजनों को डर के मारे फोन कर रहा है कि दिल्ली में तुम सुरक्षित हो या नहीं हो। हम सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता सर्वेश का, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेश, पर्यावरण मंत्रालय बैठक कर रहा है, सरकार बैठक कर रही है, दिल्ली की सरकार बैठक कर रही है, एनजीटी अपनी शक्ति दिखा रही है, आप ये बताइए कि इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कोई कह रहा है सब सुझाव दे रहे, कोई कह रहा है ब्लोअर्स लगा दो, कोई कह रहा है बारिश हो जाए तो ठीक हो, कोई कह रहा है धूप आ जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन ये सब चीजें टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में सलाह क्या है, कैसे ये स्मॉग हटेगा और आगे आने वाले दिनों तक कितना ही रहेगा? देखिए यार का ये बात तो सही है बिल्कुल कि आनन फानन में किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्या करे कि इस जो ये प्रदूषण है उससे उनको मुक्ति मिले। दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि वो कृत्रिम बारिश करवाएंगे, 5 दिन के लिए जो कंस्ट्रक्शन के काम है उन पे रोक लगा दिया जाएगा, उसके साथ ही वो जो रोड है वहाँ वैक्यूम लगा के वो सफाई करवाएंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की अगर सलाह की बात करें तो डॉक्टरों का ये कहना है कि दिल्ली वासी जितना कम निकल सकते हैं अपने काम को लेके बाहर उतना कम निकलें, और खासकर जो लोग इस माहौल में इस मौसम में मॉस्किटो कॉइल वगैरह जलाते हैं वो लोग बिल्कुल ना जलाएं। कुल मिला के निहारिका इसके लिए एहतियात बरतना ही जरूरी है।
क्योंकि एहतियात से ही बचा जा सकता है। फिलहाल आज थोड़ा सा रिलैक्स ये देखने के लिए मिल रहा है कि सूर्य दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो कल तक हालत ये थी कि सूर्य भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जबरदस्त धुंध थी। एक बार मैं आपको पैन करके कैमरा दिखाना चाहूंगा कि क्या स्थिति, आप देखेंगे कि आज विजिबिलिटी के नाम पे थोड़ा कुछ दूर तक रोड पे देखा जा सकता है, लेकिन आज भी जो ये स्मोक है वो काफी हद तक है। इसको हटने में पूरी तरह से 10 से 15 दिन लग जाएंगे, ये बात जरूर है कि आज थोड़ा बहुत राहत दिख रही है, लेकिन जो दिल्ली के स्कूल हैं या फिर गौतम बुद्ध नगर के जो स्कूल हैं उनको 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कल दिल्ली सरकार ने ये कहा कि उसके स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे। वहीं एमसीडी में जितने स्कूल आते हैं उनको पहले ही 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था, ताकि एहतियात बरता जा रहा है कि दिक्कत ना हो। लेकिन जब तक ये स्मोक नहीं हटेगा, जब तक ये धुंध नहीं हटेगी, तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। निहार का धन्यवाद पूरी जानकारी हमें देने के लिए सर्वेश।